कांग्रेस ने उत्तराखंड में 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। राजपुर से प्रभुलाल बहुगुणा, बागेश्वर से बालकिशन, सोमेश्वर सीट से राजेंद्र बराकोटी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। जसपुर से बात करें आदेश चौहान और गदरपुर से राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस 63 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। खबर यह भी है कि टिहरी से नरेश चंद्र रमोला और धनौल्टी से मनमोहन मल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 15 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होगा और 11 मार्च को वोटों की गिनती होगी। तो कांग्रेस के भीतर घमासान सिर्फ देहरादून में ही नहीं है बल्कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस के अंदर बगावत भी हो चुकी है। पिथौरागढ़ की बात करें, डीडीहाट सीट यहां कर यहां भरी कांग्रेस नाराज है, दिख रही है। खेमराज जोशी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। वहीं पिछली बार प्रत्याशी रही रेवती जोशी भी खुलकर विरोध में उतर आई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बगावत थामने का नाम नहीं ले रही है। पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट पर भी नाराज खीमराज जोशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने डीडीहाट सीट से प्रदीप सिंह पाल को टिकट दिया है। नाराज नेताओं का कहना है कि टिकट वितरण में उनकी अनदेखी हुई है, लिहाजा जनता के बीच वो न्याय मांगने जा रहे हैं। मैंने पार्टी का झंडा डंडा दोनों पकड़ के सेवा कर रखी है, लेकिन पार्टी ने आज जो जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, एक पैराशूट की तरह जो केवल 3-4 महीने क्षेत्र में रहकर टिकट पार्टी वालों ने वितरित किया है, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। असल में कांग्रेस से इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा जाता था। यहां से कांग्रेस के टिकट पर चारू चंद्र ओझा और लीलाराम शर्मा विधायक रहे। हालांकि राज्य बनने के बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। खीमराज जोशी के मुताबिक वो 2 दशक से इस सीट पर कांग्रेस का झंडा थामे हैं और उन्होंने अच्छा खासा जनाधार भी तैयार किया है। जब आज पार्टी का बहुत अच्छा माहौल बन रहा था और जब आज पार्टी जीतने की कगार पे है, तो आज जो टिकट दिया गया है ब्राह्मणों को न देके एक ठाकुर प्रत्याशी को दिया है, जो मूल रूप से यहाँ इस क्षेत्र में कभी रहा ही नहीं है। सितम्बर में प्रदीप पाल जी यहाँ पर आए, सितम्बर में उन्होंने पोस्टर लगाए। आज ऐसा है कि प्रशांत लोकलिया आदमी होता, प्रशांत भंडारी को टिकट देते। लोकलिया आदमी होता, किसी पंडित को, किसी को भी दे देते। कहते उनसे कहते कि तुम खड़े हो जाओ, मतलब यहाँ पर खड़े हो जाओ और हमारी ड्यूटी लगाते, हम सिपाही की तरह से काम करते। मतलब आज उन्होंने इतना बड़ा सिला दिया। नाराज नेताओं का कहना है कि प्रदीप सिंह बाहरी नेता है और उन्हें पैराशूट के जरिए उतारा गया है, लिहाजा उनके समर्थन में कार्यकर्ता खड़े नहीं होंगे। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।